बाराबंकी में भाजपा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर हमारे संवाददाता ने भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत से बातचीत की। इस दौरान सांसद ने मुख्यमंत्री द्वारा नगरपालिका नवाबगंज को दी गई धनराशि के बारे में बताया और सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव में चौमुखी विकास कराने का दावा भी किया गया। और क्या कुछ कहा है सांसद ने, आइए आपको सुनाते हैं। विकास कार्य है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इस वर्ष हमने कुल 33 सड़कों की स्वीकृति कराई और उनका बजट भी रिलीज हो गया है। जो भी कार्यालय की औपचारिकताएं पूरी हो गई है, अब उन पर कार्य शुरू होगा। इसमें विशेष बात यह है कि 32 सड़कों में 16 सड़कें ऐसी हैं जो FDR सिस्टम से बनने वाली। उत्तर प्रदेश में अभी FDR सिस्टम से पहली बार सड़कें बनना शुरू हुई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। FDR का मतलब होता है फुल डेप्थ रिकमेंडेशन, मतलब जितनी मोटाई की सड़कें बनेंगी वो ऊपर जितनी मजबूत होंगी उतनी ही नीचे मजबूत होंगी। इसका परिणाम यह होगा कि दसों साल तक सड़कें टूटेंगी नहीं, तो 16 सड़कें FDR सिस्टम से बनने जा रही हैं। ये रखा है हमारे पास, इसमें आप देख रहे हैं और इधर पीछे की तरफ भी है ये। तो ये 20 सड़कें अभी इनका जो है वो शिलान्यास होना है, जिसमें से 21 तारीख हमने तय की है। 4 सड़कों को 21 तारीख को इनका शिलान्यास करेंगे, बाकी क्रमवार सबका शिलान्यास होता जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। अभी मिट्टी का कार्य शुरू होगा और उसके बाद में फिर इसको बनाने का काम शुरू होगा। और ऐसी सड़कें उत्तर प्रदेश में पहली बार बनेगी, भारत सरकार के बजट से कराने जा रही है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। एक ये काम हुआ और बाकी इस तरीके से जो और PMGSY में सड़कें हैं FDR के अलावा 32 सड़कें, वो सड़कों उन सड़कों का भी निर्माण यहाँ पर हम लोगों ने कराया है। नगर पालिका को लेकर जो है कुछ आया बजट का बताया जा रहा है, उसका क्या है, कुछ विशेष बताया? नगर पालिका के लिए बजट जो हमारे मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं को धन दिया गया है, उसका एक आज उसकी कार्ययोजना बाराबंकी जिले में पास होकर के और उसकी मंजूरी मिल करके जाने वाली है, और जैसे ही जाएगा बजट रिलीज होगा उस पर काम भी होगा। इसके अतिरिक्त विनिमय क्षेत्र में 18 करोड़ रुपये हमारे यहाँ बाराबंकी जिले में पड़ा हुआ है। जब DCM साहब परसों आए थे, उस दिन मैंने उस प्रस्ताव को रखा था, उन्होंने कहा भी है कि यहाँ के नाली निर्माण के लिए विनिमय क्षेत्र का जो 18 करोड़ रुपए है उससे नालियों का निर्माण हो, ताकि जो विस्तारित क्षेत्र है उसकी समस्या दूर हो सके।